नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ 2022 में जो 10th और 12th की एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका शेड्यूल आ गया है। मैं एग्जैक्टली ब्लॉग खोल के बैठा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इनका ब्लॉग है, ये जी न्यूज़ वालों का ब्लॉग है। और उसमें ये देखिए लिखा हुआ है क्लियर, अगर दिखा पाऊँ तो इसमें लिखा हुआ है एमपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान 18 फरवरी से 10वीं और 17 फरवरी से 12वीं के एग्ज़ाम होंगे। आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। 12वीं की 17 फरवरी से और 18 फरवरी से 10वीं के एग्ज़ाम्स होंगे। इस शिक्षा मंडल ने वर्ष 2022 की कक्षा 10वीं 12वीं 12वीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएससी के परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। सुबह 10 से 1 बजे तक होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में 12 फरवरी से, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स बोले जाते हैं, वो 12 फरवरी से 25 मार्च 2022 के बीच, और जो स्वाध्याय शायद उन्हें प्राइवेट बोला जाता है, उनको आवंटित परीक्षा केंद्र, जो भी उनको अलॉटमेंट होगा परीक्षा केंद्र का, उसमें 17 फरवरी से 20 मार्च तक प्रैक्टिकल्स होंगे। ये बकायदा ट्वीट ही भी दिया हुआ है, ये स्कूल डिपार्टमेंट के एमपी का ट्वीट भी है। ये देखिए ये ट्विटर पे भी आया हुआ है, आप पर्सनल लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी मैं ट्राई करता हूँ, इस पूरे इसको ट्विटर पे ही निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो ये ट्विटर खुल गया है, तो ट्विटर का विस्तृत समय सारणी देखने के लिए मैं इसको आपके साथ शेयर भी करता हूँ, स्क्रीनशॉट इस पूरे का। तो ओके, हाँ जी आ गया है। ये तो मेन पेपर है जो निकला है वहाँ से, और उसके बाद हाँ ये आ गया, ये मेन शेड्यूल आ गया है। ये देखिए शेड्यूल है, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या है शेड्यूल में, तो आइए जान लेते हैं। ओके, सो प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक होगा, 10 AM to 1 PM। शुक्रवार 18 फरवरी को हिंदी, ये कौन से क्लास का है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मतलब शायद 12th का आएगा, तो नहीं ये 12th, हाँ जी, तो शुक्रवार 18 फरवरी को हिंदी है, 22 को मैथमेटिक्स है, 24 को उर्दू है, 26 तारीख को सोशल साइंस है, 2 तारीख 2 मार्च को साइंस है, 5 मार्च को इंग्लिश है, 8 मार्च को संस्कृत है। ये 10th का है क्योंकि संस्कृत भी है, तो ये 10th का शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। 12th का जैसे ही दिखता है वो भी मैं शेयर करूँगा। बुधवार 9 तारीख को मराठी गुजराती पंजाबी सिंधी केवल मूक बधिरों के लिए, और उसके बाद दृष्टिहीन मतलब जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, और उसके बाद 10 तारीख को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषयों की परीक्षा होगी। तो ये 10th का मैंने आपको बता दिया, और यस 12th का भी दिया हुआ है, मैं दोनों बता देता हूँ। ओके, सो ये है 12th का। तो गुरुवार 17 तारीख को जो 12th का एग्जाम होगा वो इंग्लिश का होगा, 19 तारीख को हिंदी का होगा, 21 तारीख को फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, एलिमेंट्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, और वोकेशनल जो भी होंगे वो होंगे, क्योंकि तीनों फिजिक्स केमिस्ट, फिजिक्स बाय मैथ्स बायो आर्ट कॉमर्स सभी तो 12th में होंगे, तो सभी के एग्जाम्स ऐसे ही होंगे। तो 23 तारीख को होगा बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन म्यूजिक का, 21 के बाद 23 को, 24 को होगा सिर्फ बायोलॉजी का, उसके बाद 25
25 तारीख को पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, और दूसरा जो होगा वो वीओसी का होगा, वोकेशनल कोर्सेज का होगा। 28 तारीख को सोमवार को केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड टेक्सटाइल, और उसके बाद वोकेशनल भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो 4 तारीख को होगा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, ग्रह समूह, होम साइंस भी रहेगा, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और उसके बाद एनवायरनमेंट, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट ये रहेगा। उसके बाद 9 तारीख को जियोग्राफी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन। उसके बाद शरीर रचना, एनाटॉमी, साइकोलॉजी एंड हेल्थ ये रहेंगे 9 तारीख को। 10 तारीख को उर्दू और मराठी का पेपर है। 11 तारीख को NSQF शारीरिक शिक्षा, ये 2 पेपर रहेंगे। और 12 तारीख को संस्कृत, जो संस्कृत के भी ऑप्शन आ चुके हैं तो ये रहेंगे। तो भैया ये था 10th और 12th के एग्ज़ाम का शेड्यूल। 17 और 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबली फॉर्म्स तो भर गए होंगे, तो ये शेड्यूल आ चुका है, लग जाइए तैयारी में। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे रह गए, मींस अभी तो कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, 1-2 महीना अभी कोर्स कंप्लीट होने में लगा होगा, फिर आपके रिविज़न स्टार्ट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे समय निकल गया। तो बस लग जाइए, और जिनको जिनको आप ये समाचार भेज सकते हैं उनको भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।